जो भी कहूंगा सच कहूंगा, जो भी कहूंगा सच कहूंगा, जो भी कहूंगा सच कहूंगा। अरे यार, ये मैं नहीं कह रही हूं, बल्कि ये तो चिल्ला चिल्ला कर कार्तिक आर्यन पूरी दुनिया से कह रहे हैं कि भाई मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, वो भी अपनी अपकमिंग फिल्म धमाका में से। तो वहीं आलिया भट्ट की इन दिनों लॉटरी लगी हुई है, जहां अभी उनकी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का टीजर फैंस को कतई पसंद आ रहा है, तो वहीं अब एक्ट्रेस आलिया भट्ट फिल्म प्रोड्यूसर भी बन गई है। मैडम ने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला है और अपनी इस नए फिल्म को नाम दिया है डार्लिंग। तो इन दोनों खबरों को बताऊंगी मैं अपनी आज की इस वीडियो में। कार्तिक आर्यन की अपकमिंग फिल्म धमाका का टीजर आउट हो गया है, एंड नो डाउट भाई कहना पड़ेगा कार्तिक एटलीस्ट अपनी एक तरह की फिल्म करने वाली आइडेंटिटी से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। कार्तिक ने अपने सोशल मीडिया पर फिल्म का टीजर शेयर करते हुए लिखा है, मैं हूं अर्जुन पाठक, जो भी कहूंगा सच कहूंगा। टीजर की शुरुआत में कार्तिक चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं और अपने आसपास के लोगों से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि कैमरा बंद करो। तो वहीं उनसे एक लेडी कहती है, द शो मस्ट गो ऑन, जिसके जवाब में कार्तिक कहते हैं, मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन सामने खड़ी वो लेडी उनसे कहती है, तुम्हें करना होगा, ये शो तुमने शुरू किया था तो तुम्हें ही खत्म करना होगा। जिसके बाद कार्तिक आर्यन कहते हैं, मैं हूँ अर्जुन पाठक, भरोसा 24/7 से, जो भी कहूंगा सच कहूंगा। जिसके बाद उनकी टीम मेंबर्स कहती हैं, माय स्टार इज बैक। फिल्म में कार्तिक एक न्यूज एंकर के रोल में नजर आएंगे, एंड एक बात तो भैया कहनी पड़ेगी, कार्तिक फिल्म में काफी इंटेंस लुक में नजर आ रहे हैं। आपको ये भी बता दूं कि इस फिल्म को कार्तिक ने लॉकडाउन में सिर्फ 10 दिनों में ही शूट किया था। फिल्म की कहानी की बात करें तो कार्तिक एक बम विस्फोट के साथ एक ऐसी स्थिति में फंस जाएंगे जो उनकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट लेकर आएगा। वही फिल्म 2013 की कोरियाई फिल्म द टेरर लाइफ का हिंदी रीमेक है। वही कार्तिक की फिल्म धमाका नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। कुछ टाइम पहले कार्तिक ने फिल्म से अपना फर्स्ट लुक भी शेयर किया था और इस लुक में कार्तिक का इंटेंस लुक काफी दिख रहा था। उनकी शर्ट पर खून के धब्बे थे, बाल बड़े और बिखरे हुए, और कोट पर TRTV का बैच लगा हुआ था। उस वक्त भी कार्तिक का ये लुक उनके फैंस को काफी पसंद आ रहा था। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट भी प्रोडक्शन की दुनिया में कदम रख चुकी है और मैडम प्रोड्यूसर बन गई है, और उन्होंने अपनी प्रोडक्शन हाउस भी शुरू किया है जिसका नाम उन्होंने दिया है इटर्नल सनशाइन। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अपने इस प्रोडक्शन हाउस की फिल्म का भी अनाउंसमेंट कर दिया है जिसका नाम है डार्लिंग। फिल्म को शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और आलिया भट्ट का प्रोडक्शन हाउस मिलकर प्रोड्यूस करेंगे। वहीं आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी देते हुए अपने फैंस के साथ शेयर किया और कैप्शन में लिखा, मैं डार्लिंग का हिस्सा होने पर काफी एक्साइटेड हूँ। ये एक पावरफुल स्टोरी है जिसमें डार्क कॉमेडी और ह्यूमर का जोड़ देखने को मिलेगा। खुश हूँ कि पहली फिल्म है जिसे मैं प्रोड्यूस करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने शाहरुख खान के रेड चिलीज एंटरटेनमेंट से हाथ मिलाया है। वही फिल्म के फर्स्ट लुक वीडियो में लिखा आता है, औरतों का अपमान करना आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, तो आप अभी से थोड़ा सतर्क हो जाइए। वही फिल्म की बात करें तो आलिया भट्ट के अलावा फिल्म में शेफाली शाह भी नजर आएंगी। फिल्म में दोनों माँ बेटी की बॉन्डिंग, लाइफ में उतार चढ़ाव और रिलेशनशिप, इन सारी चीजों को आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा फिल्म में विजय वर्मा और रोशन मैथ्यू भी नजर आएंगे। वही हाल ही में आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ा का टीजर भी रिलीज हुआ था। टीजर में आलिया की एक्टिंग को लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। गंगूबाई काठियावाड़ा मुंबई की कमाठीपुरा एरिया में एक वैश्यालय की मालकिन गंगूबाई काठियावाड़ा के जीवन पर बेस्ड है। फिल्म को संजय लीला भंसाली डायरेक्ट कर रहे हैं, तो वहीं फिल्म में आलिया के साथ साथ अजय देवगन भी नजर आएंगे। वही खबरें तो ये भी है कि फिल्म में आलिया एक गाना भी गा सकती है, यानी मैडम प्रोड्यूसर भी, एक्टर भी, डॉन भी और सिंगर भी। वाह भाई वाह, मतलब इतने सारे कैरेक्टर्स जो है आलिया भट्ट के अब हमें देखने को मिलेंगे। बाकी इस पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड कीप वॉचिंग अनकट।